जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है, आप सबके काफी कमेंट आ रहे थे। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आ सके जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे जो आर्मोरर की भर्ती के लिए 6 पदों पर वैकेंसी आई थी उसकी एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है। उसका एग्जाम फरवरी में होना था जो कोरोना काल की वजह से रुक गया था, तो फाइनली उसका जो एग्जाम है वो मार्च के एंड तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना है। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम कैसे रहना है, ऑफलाइन एग्जाम रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न मिलने वाले हैं, 2 घंटे की आपकी परीक्षा लेने वाली है। और दोस्तों, इसका जो सूचना है वो आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आपको पता चल जाएगी, नहीं तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और दोस्तों, प्रवेश पत्र की बात करें, प्रवेश पत्र आपको आपके नंबर पे SMS आ जाएगा या आपको ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, तभी आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। और दोस्तों, परीक्षा जो है वो ऑफलाइन रहने वाली है। और दोस्तों, इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी आपको हम दिखा देते हैं। और दोस्तों, कईयों के सवाल होते हैं कि सर जो प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन ही आएगा। दोस्तों, प्रवेश पत्र आपके मोबाइल पे जब तक SMS नहीं आएगा उसके अलावा आप डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि होमगार्ड की है। पिछली बार भी होमगार्ड की जो वैकेंसी आई थी उस पर ऐसे ही हुआ था, लोगों के पास मैसेज आ रहे थे तभी प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। और दोस्तों, इसकी जो OMR आधारित परीक्षा रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहने वाले हैं। और दोस्तों, जो एग्ज़ाम है इसका जो 75 नंबर का एग्ज़ाम रहने वाला है। टोटल परीक्षा की बात करें तो 100 नंबर की परीक्षा है, 75 नंबर का आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे की परीक्षा आपकी रहने वाली है। और दोस्तों, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, जो 4 पे 1 नंबर अंक काटा जाएगा। और दोस्तों, इसकी हम बात करते हैं कि जो पे स्केल रहेगा, पे स्केल आपका रहने वाला है 14,600 रुपये, इसका मंथली का इनकम रहने वाली है। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, चलिए आइए सिलेबस के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो इसके अंदर सिलेबस विवेचना एवं तार्किक योग्यता, जिसके आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, 30 अंक ही दिए जाएंगे। उसके बाद देख सकते हो आप सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर आपको 15 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसके 15 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि, जिसके आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं और 30 अंक आपको दिए जाएंगे। टोटल आपको 75 नंबर का आपका रहने वाला है एग्ज़ाम। इसके अंदर आपको 40% अंक हासिल करने होंगे, अनिवार्य हैं, जिससे अलावा आपके 40 अंक नहीं बनते हैं तो आप फेल कैटेगरी में आओगे। आपको पास होने के लिए 40% आपको हासिल करना होगा। तो दोस्तों, आप सबने देखा सिलेबस, इसी सिलेबस के आधार पे आपकी परीक्षा होगी। और दोस्तों, आप सबके काफ़ी सवाल भी होते हैं कि सर हम पढ़े क्या, ये आप सिलेबस की तैयारी कर सकते हो, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, जिसमें आपको एग्ज़ाम में आपके 75 में से हासिल होंगे। यही 75 नंबर इन्हीं सिलेबस के अंदर से आने वाला है, इसके अंदर मैथ बिल्कुल भी नहीं है, आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती की चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो रहने वाली है, रिटर्न एग्जाम रहने वाला है 75 नंबर का, और जो फिजिकल और जो विशेष नंबर है वो रहने वाले हैं 25 नंबर की। टोटल होगी 100 नंबर पे, 100 नंबर की ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर क्रॉस करने वाले हैं। टोटल पदों की बात करें, 6 पदे हैं इसके अंदर जो आर्मोरर के हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर फिजिकल आपका 5 किलोमीटर रहने वाला है, जिसके नंबर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, और 15 नंबर है जो विशेष रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये आपको चयन प्रक्रिया रहने वाली है। और दोस्तों, फिजिकल के बारे में जानना है तो हम ये भी आपको बता देते हैं, और चयन प्रक्रिया किस आधार से रहने वाली है वो भी आप देख लीजिए। तो देख लीजिए, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो चयन प्रक्रिया है, जो लिखित परीक्षा आपकी 75 नंबर की रहने वाली है, शारीरिक दक्षता जो आपकी रहने वाली है वो 10 नंबर की रहने वाली है, जो दौड़ है जो 5 किलोमीटर रहने वाली है, तकनीकी योग्यता जो 15 नंबर की रहने वाली है, इसके अंदर NCC और विशेष नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, इसके अंदर साफ साफ लिखा है। दोस्तों अब आप देख सकते हो, तो दोस्तों ये सब आपने देखा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और आपके कोई डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से
पूछ सकते हो। नहीं तो आप दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम नई नई इन्फॉर्मेशन और कई बार हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो वहीं पे हम अपलोड कर देते हैं। और दोस्तों ज्वाइन आप जरूर करें, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं भर्ती से रिलेटिव, कोई भी डिफेंस से रिलेटिव वीडियो या जो भी SMS या सूचना नोटिफिकेशन होते हैं वो सभी हम वहाँ पे डालते रहते हैं। आप उनको भी ज्वाइन कर ले, जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद।